के डीएम अभिषेक सिंह ने शेरघाटी अनुमंडल के कई इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान डीएम ने सरकार की ओर से चल रही विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग के पास से शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया, साथ ही शराब से भरी कार भी जब्त की गई। क्या हमको तुम अपने गाड़ी में कैरिंग करके ले ला के दो, तुम 3000 रुपए देंगे। और इससे पहले कई बार ढो लिए हैं खराब, डर नहीं लगता है? डर लगता है तो फिर अब नहीं करेंगे। छपरा में इलाज के दौरान मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के सलीमपुर की है। डीपी इमरजेंसी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित होकर मरीज के परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। मसौढ़ी की भगवानगंज पुलिस ने सरफाबाद बिलियारी में छापेमारी कर 10 लीटर देसी शराब और शराब बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने शराब कारोबारी योगेंद्र मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। जहानाबाद के घोसी प्रखंड में गरीबों को सरकारी अनाज नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने पीडीएस डीलर पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें सरकारी योजना का अनाज नहीं मिल रहा है। आपको राशन नहीं मिला बाबा? ना। क्या कहता है डीलर? डीलर कहता है अगर देता है दे जाओ, कहाँ से देंगे? नहीं आयो, टूट गया। क्या है डीलर? राम सेवक। 25 दिसंबर को गया से मुंबई के लिए इंडिगो फ्लाइट का शुभारंभ होने जा रहा है। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर अभिनेता अली खान को बनाया गया है। अभिनेता अली खान शुक्रवार को दोपहर 12:30 पर मुंबई से गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मसौढ़ी पुलिस ने छापेमारी कर युवती अपहरण कांड के मामले में आरोपी कौशल्या देवी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि भकरा गाँव निवासी कौशल्या देवी पर एक युवती के अपहरण में शामिल होने का आरोप। छपरा के मशरक सिद्धिदात्री मंदिर से बाजार होते हुए पुराने रेलवे स्टेशन रोड तक की सड़कें पूरी तरह से अतिक्रमणकारियों के कब्जे में हैं, जिससे रोजाना बाजार का मुख्य मार्ग जाम रहता है और घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन लोगों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। बताएं क्या बता? दुर्गा मंदिर से स्टेशन रेलवे पुराना रेलवे स्टेशन तक पूरा जाम हो जा रहा है। बैंक के सामने मोटरसाइकिल लगाने की जगह नहीं है, सरकारी जमीन में कब्जा लोग किए हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा के रूप में याद किए जाने वाले चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती समारोह बुधवार को सहरसा जिला परिषद में मनाई गई। आरजेडी की ओर से जयंती दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया गया। जहानाबाद में अपराधियों ने रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान की गोली मारकर हत्या कर दी है। रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान जितेंद्र कुमार पटना जहानाबाद NH-83 पर कनौदी के पास कैंटीन चलाते थे। ये सब महा जंगल राज का ये सब साइन है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि सुशासन की सरकार चला रहे हैं, अब आप लोग मीडिया का साथी लोग पूछिए उनसे कि कैसा सरकार चल रहा है। अगर आप लोग दिखाते हैं इसको तो दिखाइए, चूंकि रोज दिन हत्या हो रहा है, रोज दिन बलात्कार हो रहा है। सीतामढ़ी पूरी तरह से कोविड वैक्सीनेशन के लिए तैयार है, ये कहना है सिविल सर्जन डॉक्टर आरसी सहाय वर्मा का। उन्हें जानकारी देते हुए कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन के भंडारण और वितरण के लिए विस्तृत माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है। ये जो दवा है विटामिन ए है, ये विटामिन ए एक प्रकार का विटामिन है जो अत्यावश्यक है शरीर के लिए, वो बच्चों के आँख के देखभाल के लिए, आँख की रोशनी के लिए, चमड़े के लिए और हर विकास प्रकार के विकास के लिए, वो हड्डी के लिए, चमड़े के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, नर्व्स के लिए, सब के लिए अत्यंत आवश्यक है शरीर में जाना। जमुई के सिविल सर्जन डॉक्टर विजेंद्र सत्यार्थी और डीपीएम सुधांशु कुमार ने झाझा रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सिविल सर्जन ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सरकार के निर्देश के आधार पर आज आए हुए हैं यहाँ पर। मेनली हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर का उपस्थिति, यहाँ का साफ सफाई, दवा की उपलब्धता, यही मेनली यही 3-4 बिंदु पर हम लोग यहाँ आए। अरवल के करेल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी परमानंद कुमार ने विद्यालय के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 3 दिनों के अंदर BRC में जमा कराने का निर्देश दिया है। बाढ़ में नियमित वेतन नहीं मिलने के कारण पिछले 5 दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर है, जिससे शहर में कई जगहों पर गंदगी का अंबार लग गया है। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा।
मुंगेर के सबसे व्यस्त किला परिसर में उस समय लोगों की भीड़ लग गई जब एक पति ने दौड़ा दौड़ा कर अपने पति की पिटाई शुरू कर दी। मामला पति पत्नी के बीच चल रहे मेंटेनेंस केस का है। छपरा के मशरक में बुधवार को ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान एसएच 90 और 73 के तीन मुहैया के तरैया मोड़ के पास तीन ट्रकों को जब्त किया गया है। पंचायत चुनाव के बीच पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल में इन दिनों कंबल बांटने की होड़ मची हुई है। दरअसल पंचायत चुनाव स्तर पर है और ऐसे में जनप्रतिनिधि गरीबों और जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने में जुट गए हैं, जिसका फायदा गरीब गुरबों को मिल रहा है।